हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये मैथ का सेगमेंट हम लोगों का चल रहा है जिसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। आज हम लोगों का संभवतः लास्ट वीडियो है ये चक्रवृद्धि ब्याज का, जिस पे हम लोग लगभग सारे तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे। अभी तक हम लोगों ने टाइप 5 प्रकार के क्वेश्चंस किए हैं, आज हम लोग टाइप 6 प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे। और इसी के साथ साथ हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगभग अच्छी पकड़ अपनी बना चुके हैं और सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इन्हीं तरीकों में से कहीं ना कहीं एक तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, जो कि आपके जीवन में आपकी सफलता में मील का पत्थर ज़रूर साबित होगा, ऐसी मेरी आशा है। आइए देखते हैं टाइप 6 के क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन होगा। इसमें क्वेश्चन इस तरह का है बच्चों कि जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, ठीक है, जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है दिया हो, और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और साधारण ब्याज दिया हो, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हो और ब्याज की दर पूछ रहा हो, तो फिर हम कैसे प्रश्न को करेंगे। क्वेश्चन में क्या है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात हो, यानी 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास ऑप्शन में दिया हो, यानी क्वेश्चन में दिया हो, तब पूछ रहा हो दर बताइए, फिर क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होता है कि इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जब दर पूछ रहा हो और 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ हो, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका दिया हुआ हो, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है, वैसे भी आप जान लीजिए किसी भी धनराशि का, किसी भी राशि का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट उसी राशि पर लगेगा तो निश्चित तौर से ज़्यादा होगा, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा तो राशि कम होगी। तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर होगा, डिफरेंसेस जो होगा, वो होगा। तो अगर आपको दर ज्ञात करनी होगी तो आपको अंतर लिखना है (2)(100) बटे साधारण ब्याज कर देना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट। ये फार्मूला आपका है जिससे कि प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर से मैं एक बार चर्चा करना चाहूँगा आपसे कि आपको करना क्या है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर आपको बताना है। और निश्चित तौर से मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि एक कोई धनराशि है उस पर सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो निश्चित तौर से कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से आपको सिंपल इंटरेस्ट घटा देना होगा, उसका वही अंतर आपको निकल करके आ जाएगा, अंतर (2)(100) बटे जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये कर देना है, आपको ये क्वेश्चन तुरंत आपको सॉल्व हो जाएगा। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 328 रुपए है तथा साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट 320 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन जो मैंने बताया, सेम उसी पे बेस्ड है। मैंने आपको सूत्र भी देखिए बता दिया अभी, और यहाँ पे सूत्र लिखा भी है आपको, दोनों ब्याजों का अंतर, ठीक है, (2)(100) बटे सिंपल इंटरेस्ट, तो सीधे सी फार्मूले पे रखेंगे तो देखिए बच्चों हमारा कितना अंतर है, 328 माइनस 320, ठीक है, (2)(100) बटे में सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 320, तो 320 आप कर देंगे। अब आप तो सरल करेंगे तो ये आपका माइनस करने पे 8 आ जाएगा, (2)(100) हो जाएगा। अब इसको बटे में 320 हो जाएगा, आप एक एक जीरो इससे काट सकते हैं, आप काट दीजिए, फिर आप कर सकते हैं 8 से काट दीजिए या 2 से काट दीजिए, किसी से भी काट सकते हैं, तो बड़ी राशि कट जाएगा, 8 चौके 32, 8 एक 9 8 हो गया, 8 चौके 32 4 हो गया। अब 2 से काट दीजिए, 2 दूनी के 4, ये खत्म हो गया। अब इसे 2 से ये 10 काट दीजिए, 2 पचे 10, कितना आया बच्चों, 5 आया। 5 क्या है, प्रतिशत आ जाएगा, आप निकाल क्या रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं, यानी दर, ठीक है, ब्याज की जो दर है वो 5% है, ब्याज की जो दर है वो 5% है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए है, साधारण ब्याज 400 रुपीज है, 400 रुपए है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। सेम वही क्वेश्चन है, राशियां केवल बदल दी गई हैं। अगर आप इसको व्यवहारिक तौर पे देखें तो भी आप बहुत सरलता से कर जाएंगे। चलिए प्रश्न को हम लोग करते हैं बच्चों। देखिए 410 है, माइनस है 400, ठीक है, देन इसके बाद (2)(100) अपॉन कितना है सिंपल इंटरेस्ट 400, तो 400 आप यहाँ पे कर देंगे सीधा सा, 10 यहाँ पे आप इसको माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा (2)(100)
बटे 400 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो जीरो इसे काट सकते हैं आप, यानी 100 खत्म हो गया आपका, बचा नीचे चार आपका, चार से आप दो के नम दो दुनी के चार आप कर सकते हैं, दो पचे दस आप कर देंगे, इसका भी इंटरेस्ट कितना आ गया 5% ही आ गया। तो रेशियो क्या निकल गया, यानी दर यानी कि रेशियो स्मॉल आर निकल करके आया क्या 5% ब्याज इस पे लगा है। तो वार्षिक दर क्या दी गई है 5% दी गई है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। इसमें क्या दे दे रहा है, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपये है तथा साधारण ब्याज 100 रुपीज है। ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है आपको। सीधा सा क्वेश्चन, अगर आप अब थोड़े से अभ्यस्त हो चुके हैं तो क्वेश्चन क्या कर लेंगे, देखिए दोनों का अंतर निकालना होता है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 5 × क्या हो जाएगा 2 × 100 बटे में क्या हो जाएगा 100। सीधा सा आप देखिए 100 से 100 कट जाएगा तो कितना होगा 5 × 10, आंसर आपका एक लाइन में आ गया, आंसर 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दर क्या हो गई, दर बराबर क्या और रेशियो क्या हो गया 10% वार्षिक दर है। तो उम्मीद है दोस्तों ये सवाल भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को आसानी से देख लिया और सारे क्वेश्चन लगभग इसी तरह से ही आपको आसान तरीके से ही समझ में आ गया होगा। किसी भी चीज़ को देखिए, सूत्र रटना नहीं होता है, सूत्र को समझना होता है। बहुत सारे सूत्र ऐसे होते हैं जिनको आप फील करते हैं, समझते हैं, ये भी सूत्र आपको रटने की जरूरत नहीं है। दोनों के डिफरेंसेस को देख लेना है, जो डिफरेंसेस होगा × 2 × 100 अपान जो है सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। सीधा आपको करना है, रटना कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल आसानी आसान तरीके से आ जाएगा। और प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ में आपकी एक अच्छी पकड़ बनती चली जाएगी। मैथ जो मांगती है, मैथ की जो डिमांड है, वो रेगुलर रूटीन वे में इस पर टेस्ट होते रहने चाहिए, आपका अभ्यास इस पर होते रहना चाहिए, तो आपकी एक अच्छी पकड़ बनती चली जाएगी। आशा है दोस्तों कि आपको बाकी सेगमेंट की तरह मैथ का सेगमेंट भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपकी एक समझ बन रही होगी। जिस आशा और जिस विश्वास और जिस उम्मीद के साथ हम लोगों ने इस को स्टार्ट किया है, उम्मीद है कि वो पूरी हो रही होंगी, बच्चों की जरूरतें पूरी हो रही होंगी, मैथ पे उनकी एक अच्छी समझ बन रही होगी। दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार अपना साथ हमारे चैनल के साथ आप लोग बनाए हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। ऐसे ही साथ बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।